हाल ही में जो कृषि कानूनों को वापस लेने पर जो फैसला आया है, उसका असर एग्री कम्युनिटीज पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि इसका असर एग्री कम्युनिटीज की कीमतों पर पड़ता दिखाई दे। सरकार के कृषि बिल लागू होने के बाद कॉरपोरेट जगत की भागीदारी ज्यादा देखने को मिली थी, जिससे कृषि जिंसों की लेन देन ज्यादा देखने को मिल रही थी और कीमतों में उछाल भी आया था। अगर कृषि कानूनों के आने के बाद कृषि जिंसों की कीमतों को देखें तो सरसों, सोयाबीन, बिनौला खल, गेहूं, धान, चावल आदि की कीमतों में अच्छा उछाल आया था और किसानों को भी कीमतें अच्छी मिलती नजर आई थी। वहीं कृषि कानूनों के आने से पहले इन्हीं के दाम मौजूदा दामों से काफी नीचे रहे थे। जानकारों के अनुसार अब कृषि कानूनों के वापस लेने के फैसले से इसका असर कृषि जिंसों पर गिरावट के तौर पर देखने को मिल सकता है। कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से अच्छी डिमांड रहती और किसानों से उनकी फसल भी काफी ज्यादा खरीदी जाती, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और मंडी से बाहर उपज बेचने के कानून में कहा गया था। बीच बीच में ऐसी खबरें भी आ रही थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां किसान की फसल खरीद कर स्टॉक करने के लिए गोदाम भी तैयार करती, लेकिन अब कृषि कानून वापस होने से ये संभव सा नहीं लग रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर की भागीदारी अब थोड़ी कम होती नजर आ सकती है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दोबारा मंडियों में दौड़ना पड़ सकता है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उनकी फसल MSP पर ही खरीदी जाएगी, क्योंकि बिचौलिए बीच में अपना कमीशन पहले की तरह फिर से चालू कर देंगे। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।